नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। पीलीभीत में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों की ग्राम सुरक्षा समिति व ग्राम प्रहरियों के साथ मीटिंग कर भारत नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण किया है व पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। बता दें कि प्राइमरी स्कूल के ग्राम नौजलिया थाना माधोटांडा में अपर पुलिस महानिदेशक पीसी मीना द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बरेली तथा पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, रोजगार सेवकों एवं अन्य संभ्रांत नागरिकों को सीमावर्ती अपराध, अवैध तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में एसएसबी, वन विभाग, लोकल इंटेलिजेंस एवं थाना स्थानीय को सहयोग करने की अपील की है, जिससे सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके साथ नेपाल पुलिस से वार्ता कर जानकारी भी ली गई तथा नेपाल के सीमावर्ती ग्रामों में रहने वाले लोगों से भी वार्ता की गई है। साथ ही मीटिंग में उपस्थित ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों में आम जनमानस से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनके तत्परित व गुणवत्तापूर्व निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया है। अपने अपने गांव में जाकर आम जनमानस ग्रामवासियों को जागरूक कर रहे बाढ़ या तेजी बारिश की स्थिति में नदी किनारे न जाने हेतु निर्देशित भी किया है। इसके उपरांत जनपद पीलीभीत की सीमा से सटे भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पिलर नंबर 34, 35, 36, 37 व 38 एवं 42 कंबोज नगर, गुरदयालपुर, लागपुरी व बाजार घाट पर पुलिस व सशस्त्र सीमा बल के साथ पैदल गश्त की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी है। साथ ही पिलरों पर बने चेक पोस्टों का निरीक्षण भी किया है। सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी पूरनपुर, एसडीएम कलीनगर, एसएसबी टीम, वन विभाग टीम, प्रभारी व निरीक्षक माधोटांडा तथा अन्य कर्मचारी व अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहें सैफी 24 न्यूज़।